Good evening, everyone. This is Purindi Naiding here to present you for the first time with the news headlines of the day of News Mahasav. Here are top stories. Security tightened ahead of 15 August at Haflong. Lord Shiva devotees Kanbariyas at Kopili River for Bombom Puja. Few minutes rain causes water locked in Maibang. The Dimahasaw district, formerly known as North Qatar Hills district, had been synonymous with terror in the yesteryears. But even after a lot of stability and success in the peace process of the government with its insurgent outfits, the people of Dimahasaw are still haunted with potential threats. The 60th Independence Day celebration of the country is one such day which raises the question of public security as the day is often marked by miscreants to create mishaps and come into the notice of the government. This has led to activity and awareness in the security administration all across the district. Security personnel of both the district police and paramilitary are working hard in active duty and day and night at strategic points of the district capital of Haflong, with the success of the Independence Day celebration at the NL Dawlagafu's post complex at top priority. Entry and exit points of the town are at full scrutiny day and night for foolproof security countermeasures against possible acts of insurgency. मैं अभी हूँ हफलोंग का सिनोट टर्निंग पे। यहाँ पे अभी रात तकरीबन 11:30 बज चुका है। जो आने वाला 15 अगस्त है तो उसके लिए सिक्योरिटी यहाँ पे टाइट कर दी गई है। कोई भी आदमी बिना चेक के जा नहीं पा रहे। अब खुद ही देख सकते हैं पुलिस का जवानों कैसे उन लोग को सबको चेक कर रहा है। तो अभी मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग जो है यहाँ पे इतना रात तक ड्यूटी दे रहा है, तो ये ड्यूटी कितना देर से लेके कितना देर तक आप लोग ड्यूटी दे रहा है? सिनोट पॉइंट में हम लोग को जो ड्यूटी दे रहा है वो 24 घंटे के लिए दिया है। 24 घंटे हम लोग ड्यूटी करते हैं यहाँ पे। हफलोंग टाउन घुसने के लिए सिर्फ ये सिनोट पॉइंट रास्ता ही एक रास्ता है जो हफलोंग टाउन में घुस सकता है, इसलिए यहाँ पे चेक करना जरूरी है हम लोग के लिए। तो आने वाला जो 15 अगस्त है तो आप लोग किस तरफ से अलर्ट है? आप लोगों को कुछ बोल के रखा है कि स्पेशली ये रोड को सील करना? जैसा ही बात है जो अभी हम लोग को सुनाई दे रहा है कि ये फिलहाल 144 जो लागू हो चुका है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? 144 तो पहले से लागू हो चुका है, 5-6 जब 1 तारीख घुसा है उस दिन से। हम लोग यहाँ में चेक करना जरूरी है कि कोई गाड़ी में कोई खराब चीज़, यानी जो 15 अगस्त में कोई डिस्टर्ब कर सके ऐसा चीज़, जो बम कोई ऐसा हथियार जो ला सके, इसलिए गाड़ी में तो अंदर में घुस सकता है और घुसने के बाद तो कुछ हमला कर सकते हैं, इसलिए हम लोग पूरा चेकिंग करता है। जो ऊपर वाला ऑफिसर ने हम लोग को हुक्म दिया है उसी तरह हम लोग चेक किया है और चेक करते हैं। अभी तक तो ऐसा कोई खराब चीज़ तो नहीं मिला गाड़ी में, अभी हम चेक करना अभी जारी रखा है। तो आप लोग देख ही रहे हैं, पूरा रात हो या दिन हो यहाँ पे ड्यूटी चल रहा है। तो हम लोग का तरफ से यही बोल सकते हैं कि हम लोग का फिलहाल जो जनता है कोई डरने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ डिमाहासाव जिले की जाटिंगा की रेडक्रॉस के पास। अभी करीबन 12 बज चुके हैं, लेकिन हमारे जो असम पुलिस की नौजवानों है पूरी तरह 15 अगस्त के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। चारों तरफ से हाई अलर्ट लग चुका है, उसी के द्वारा वो लोग पूरे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे, ड्यूटी कर रहे हैं। बल्कि डिमाहासाव जो पहले नॉर्थ कछार हिल्स एनसी हिल्स था, बल्कि एनसी हिल्स सुनते ही लोग कांपने लगते थे, इतने डेंजरस हुआ करते थे एक समय पे। लेकिन आज के दिन पे पूरी तरह शांति की प्रभाव फैल चुके हैं। तो लोग यहाँ पे आना चाहता है और उसी के लिए पूरी तरह पुलिस के विभाग जो है पूरी तरह अपने ड्यूटी को निभा रहे हैं। चारों तरफ से सुरक्षा के लिए पूरी तरह फुल्ली पुलिस की जितने भी फोर्स है चारों तरफ से डिमाहासाव जिले की कोने कोने पे वो लोग अपने ड्यूटी निभा रहे हैं। तो 15 अगस्त के लिए जो अभी पूरी तरह सुरक्षा के लिए वो लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी तक वो लोग पूरी तरह तैयार है। अभी करीबन रात की 12 बज चुके हैं, लेकिन वो लोग होल नाइट ड्यूटी करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कितनी देर तक वो लोग ड्यूटी करते हैं और किस तरह से वो लोग कितने मेहनत करते हैं इस ड्यूटी को लेकर? हमारा तो यहाँ शिफ्टिंग वाइज होता है, कभी 6 घंटा 6 घंटा किया जाता है, तो होल नाइट पूरा चलता है। जितना भी गाड़ी आता है तो उसे पूरा चेक किया जाता है, तो उसमें से पार्सन जितना है उसमें उतार के पूरा होल बॉडी चेक किया जाता है। उसके बाद बैग से जितना खुल के चेक करना पड़ता है,
कोई तो अभी तक क्लू तो नहीं मिला है, अभी तक शांति है दिमाग सब। अगर कोई इल्लीगली आने की कोशिश करे, कुछ ऐसा कदम उठाने की कोशिश करे, तो फिर उसके लिए कि आप लोग तैयार हो या नहीं? तैयार हूँ, हम पूरा तैयार है उसके साथ पूरा लड़ाई करने के लिए। उनके कहने के मुताबिक दिमा हासाओ जिले पूरी तरह सुरक्षा है और वो लोग पूरी तरह से कोशिश कर भी रहे कि दिमा हासाओ को शांति से इस बार की जो 2015 की जो स्वाधीनता दिवस को पूरी तरह अच्छाई से शांति से मनाया जाए। इसी के लिए वो लोग पूरे रात ड्यूटी कर रहे हैं, अपने जान को जोखिम में डाल के भी वो लोग पूरी तरह अपने कर्तव्य को जो निभा रहे हैं। मैं जटिंगा से दीपांकर Like every year during the month of Shravan, that is July and August, this year too, lots of devotees of Lord Shiva came to the bank of Kopali River in Tumbreng area of Karbi Anglong district to perform the Bolbom Puja. The devotees known as Kanwariyas or Shiv Bhaktis are mandated to travel barefooted in saffron robes with their kanwar, which is a walking stick by which a pot of holy water keeps tingling at the ends. These Kanwariyas mostly travel in groups to fetch holy water from the river of to perform the Bolbom Puja. They return back to their own locality with the holy water to be poured on Lord Shiva's idol. They were seen chanting Lord Shiva's name, singing bhajans and hymns in his praise, thanking Lord Shiva during the entire pilgrimage. Shravana month is considered the holiest month of the year, and in Monday morning, is known as Shravana Sumba. It is a special day in the Shiva temple where devotees used to offer Ganga's water. We are now here in the Kopali River. निरामिष में है और हम लोग बाबा का पूजा करने आज पूरा 3 हफ्ता हो गया हम लोग इधर आता है कपली के सामने, बस ये हम लोग पूजा ही करें। Few minutes of downpour of rain in Maiwang caused water logging near the Bank of India building in Maiwang market. It created a lot of nuisance for local people passing by and it hampers the daily life just because of a few minutes of rain. The waterlogged area looks like a running river as said by one of the passersby, and if measures are not taken by authorized administration, it may create more problems in the future. This is all for today. For more updates, keep watching NDH. Thank you.